दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अभी जो सेकंड वेव चल रहा है कोरोना का, उससे बच के रहिए, मुंह पे मास्क लगाइए, बाहर जाओ तो मास्क लगाइए, सेफ डिस्टेंस रखिए, 6 मीटर 6 फुट का डिस्टेंस रखिए और ज़्यादा लोगों से हाथ मत मिलाइए। नमस्कार, अपनी परंपरा भारतीय परंपरा है, उसे ही अपनाइए और उसे ही आगे बढ़ाइए। दोस्तों सेफ रहिए और घर आके हाथ हमेशा धोइए, सैनिटाइज कीजिए। दोस्तों यही मेरी एक बात है जो आप लोगों को सभी को कहता हूँ। तो दोस्तों आज मुझे 3-4 लोगों ने कुछ पूछा है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सक्सेसफुल एक्टर्स जो होते हैं उनकी हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स भी होती है जिससे वो आगे चल के उनको फायदा होता है, उनके कैरियर में फायदा होता है, उनकी एक्टिंग में फायदा होता है, ऐसी कौन सी हैबिट्स होती है उसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताऊंगा। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस जो भी है उसे शेयर कीजिए, धन्यवाद। तो शुरू करते दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कैरियर में यानी एक्टर के कैरियर में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है और किस रेंज की, कहाँ तक की वो एक्टिंग कर सकता है, किस रेंज की एक्टिंग कर सकता है। इसमें भी रेंज होती है, कहाँ एकदम हाई लेवल तक कर सकता है या लो लेवल तक कर सकता है या तो बीच में कर सकता है। तो एक्टर को वो जानना जरूरी है और जानना इसलिए जरूरी है कि उससे वो बढ़ा सके और कैरियर को आगे बढ़ा सके और जल्दी से सक्सेस पा सके। तो दोस्तों एक्टिंग तो सभी को आती है, एक्टिंग आप भी करते हो, मैं भी करते हो, सभी लोग करते हो, जो रोड चलते हैं वो सब एक्टिंग ही है, एक्चुअली रियल एक्टिंग है। वो एक्टिंग मेथड एक्टिंग जैसे होती है वैसे रियल एक्टिंग ही है, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जितना आप रियलिटी के नजदीक एक्टिंग करोगे, जितनी आपकी एक्टिंग रियलिटी के नजदीक होगी, उतनी ही पब्लिक को अच्छी लगेगी, आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों एक्टिंग की स्किल बढ़ाइए, आप जानिए कि आप किस जोन में सेफ हो। किसी को कॉमेडी अच्छी लगती है, किसी को ट्रेजेडी अच्छी लगती है, किसी को और कुछ अच्छा लगता है। जो रेंज होती है एक्टिंग की, उसमें बहुत से लोगों को अलग अलग रेंज में अलग अलग लोगों को पसंद आती है। आप अगर अच्छी एक्टिंग कर सकते हो और अच्छी कॉमेडी कर सकते हो तो शायद हो सकता है कि आप ट्रेजेडी न भी कर पाओ या तो उतने स्तर की ट्रेजेडी आप नहीं कर पाओ, या कॉमेडी कर सकते हो या तो ट्रेजेडी कर सकते हो तो कॉमेडी नहीं भी कर सकते हो। तो उसके बीच में जो गैप है वो बढ़ाना नहीं चाहिए उसे, मतलब ये जो गैप है वो हमें कम कर देना चाहिए और उसकी स्किल, उसकी जो स्किल है उसे बढ़ानी चाहिए। स्किल बढ़ने से क्या होगा कि हर एक कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो या जो भी हो, कैरेक्टर या जो भी हो, आप सही से कर पाओगे, कैरेक्टर के अंदर चले जाओगे, कैरेक्टर में घुस जाओगे, कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से निभा पाओगे और डायरेक्टर की आंखों में आप बस जाओगे और आसानी से आप आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि सरल एक्टिंग कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, एक्टिंग कीजिए ही नहीं। एक्टिंग कीजिए नहीं मतलब जो रियलिटी में आप करते हो वही एक्टिंग है, वही कीजिए। जैसे अभी बोल रहे हो वैसे ही बोलिए तो एकदम सरल लगेगा और सही लगेगा। तो रोज आप चेक कीजिए। चेक कैसे करोगे? जैसे कि कोई एक मोनोलॉग ले लीजिए, उस मोनोलॉग को आप बोलिए, जैसे कि समझिए वो सीरियस है, तो सीरियसनेस में आप कितने अच्छे कर सकते हो, जो भी करते हो उससे ज्यादा अच्छा कर, बढ़िया करने का कीजिए। और जो भी आप करो उसे सोशल मीडिया पर डालिए, ये मत सोचिए कि वो क्या कहेगा कि ये बराबर नहीं किया, ये नहीं किया। आपको भी मालूम है आपने बराबर नहीं किया या तो थोड़ी कुछ कमी है, भूल जाइए, कोई बात नहीं, बोलेंगे सबको। बोलने से अच्छा है कि आपको पता चलेगा कि आपकी रेंज क्या है, आप कहाँ तक कर सकते हो। झूठा झूठा तो कोई बोलेगा अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, ये नहीं। सच बताइए, दोस्तों को पूछिए कि क्या मैंने जो किया वो सही है या उससे और कुछ बेटर कर सकता हूँ। तो आपकी रेंज बढ़ाइए, रोज एक मोनोलॉग करिए, उसके बाद परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप सोच लीजिए आप किस कैटेगरी में काम कर सकते हो, किस कैटेगरी, किस तरीके की एक्टिंग पसंद करते हो। आदमी वही एक्टिंग करता है जो वो पसंद करता है। कोई कॉमेडी करेगा तो उसे ट्रेजेडी का बहुत कम होगा, क्योंकि ट्रेजेडी भी तो उसको करनी ही है,
लेकिन कॉमेडी में उसका हाथ वो बहुत ही अच्छे करेगा तो ट्रेजेडी थोड़ी कम कर पाएगा। तो दोस्तों वो ट्रेजेडी जो करनी है वो भी वो उसे करने दीजिए, वो उसमें भी काम कीजिए। उससे क्या होगा, जितना जितना आप करते जाओगे उतने फ्रेश होते जाओगे और काम करने का तरीका आपका बदल जाएगा। रोज रोज करते जाओगे, रोज करते जाओगे तो पांचवें या छठे दिन ही आपको पता चल जाएगा कि उस टाइप के कैरेक्टर में आप कितने अच्छे सेटिस्फाइड हो सकते हो, कितने अच्छे बैठ सकते हो, कितना अच्छा काम कर सकते हो। किस जोन में वो कंफर्ट जोन है आपका वो भी जानना जरूरी है। किसी किसी को बहुत अच्छा कॉमेडी भी आती है तो वो उसके लिए कंफर्ट जोन है, क्योंकि वो हमेशा करते रहता है। वो भी कब होता है कि जब वो हमेशा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा तो वो उस कंफर्ट जोन में पहुंचेगा। वैसे ही दूसरे दूसरे जो भी जोन है, जैसे कि ट्रेजेडी या जो भी कैरेक्टर करने हैं, वो सब आप करते रहोगे तो वो जोन में कंफर्ट जोन में पहुंच जाओ। जितनी बार वो आप कैरेक्टर करोगे उतनी बार निखर के आएगा, ये तो पॉलिश होते रहेगा। ये तो आपकी प्रैक्टिस है। समझिए कि जैसे स्कूल में होमवर्क कैसे देते थे, क्यों देते थे, क्योंकि वही आपको रिफ्रेश होते जाए। तो दोस्तों ये करना जरूरी है, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, ट्रेजेडी भी आ सकती है, कॉमेडी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो डेली सर्च कीजिए गूगल पे कि कहाँ कहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है। उससे क्या होगा कि आप उसके साथ जुड़े रहोगे और आपको पता चलेगा कि आपका जोन कौन सा है। तो उस जोन कंफर्ट जोन जो है उसमें से वो कर दीजिए, तो क्या होगा आपको काम मिल सकता है उसमें। तो मोनोलॉग भी ऐसे बना के रखिए जो आप कर सको, जैसे बहुत इजी मत बनाइए जिसमें आपको कुछ करना हो, कैमरा के सामने कर सकते हो, या तो अपने दोस्त हो उसे कहिए कैमरा पकड़ के वो शूट करे, या तो आप खुद भी शूट वैसे शूट कर सकते हो और वो जोन में आप कंफर्ट महसूस कर सकते हो। वही जोन के पहले तो आप एक काम कीजिए, जो जोन जोन यानी क्या होता है, कॉमेडी जोन, ट्रेजेडी जोन, या हल्का फुल्का जो भी डायलॉग्स के हो, ओवर एक्टिंग का जो होता है वो जोन। ओवर एक्टिंग कब होती है, जब कॉमेडियन जो होता है वो सामने वाले को हंसाने के लिए कोशिश करता है, तो बड़े जोर से डायलॉग बोलेगा या कुछ हल्के से बोलेगा, कुछ ज्यादा ही एक्टिंग ओवर एक्टिंग भी करेगा। तो वो जोन में भी आप कंफर्ट जोन अपना तलाशिए, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, क्या तक कर सकते हो। ट्रेजेडी में तो ये एक्टिंग में तो ये है कि बहुत से जितना सीखो उतना कम है, रोज आप सीखोगे तो भी आपको कम पड़ेगा, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आप निखरते जाओगे। सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अपलोड करने से बहुत से लोग देखेंगे, बहुत से लोग को मालूम भी पड़ेगा, तो जो आपके दोस्त हो गए या जो भी होंगे वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे फिट हो या कहाँ पे कम हो या कहाँ पे क्या हो, डायलॉग बोलने का ढंग या तो फिर लफ्जों का कहाँ पे कुछ गलती हो रही है, वो सब आपको बताएंगे। ये तो प्रैक्टिस से होता है। तो दोस्तों ये तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा ये कोरोना काल चल रहा है, सेकंड वेव जो चल रहा है उसमें बहुत से लोगों को काम नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिस करते रहिए, सीख जाओगे, करते रहोगे करते रहोगे तो रोज रोज करते रहोगे तो एक दिन ऐसा पीक आएगा कि आप मान जाओगे कि आप कर सकते हो, और आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि आपकी आपकी एक्टिंग में कितना फर्क पड़ा है, आप कितना कर सकते हो। तो दोस्तों आज से ही शुरू हो जाइए, भले काम नहीं है तो ये प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो करना ही है, आखिर अपनी कला है, निखारना तो है। तो दोस्तों यही एडवाइस थी आज मेरी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि अभी तो कोरोना काल का जो भी दूसरा स्टेप चल रहा है तो उसमें हमें काम कम है तो हम क्या करें। कहानियां पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, डायलॉग्स बोलिए, जोर जोर से डायलॉग्स बोलिए, इंग्लिश पढ़िए अपना, उर्दू हो तो उर्दू भी सीखिए, या तो पढ़ के उसमें अच्छा डायलॉग्स के कुछ वर्ड्स है जो आप बोल नहीं सकते हो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों यही मेरी एडवाइस है। बहुत से लोग बाहर से जो भी आए हैं मुंबई के बाहर से, उनको तो थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका काम ही है। समझ लीजिए आप शूटिंग भी कर रहे हो, लाइट्स कीजिए, ऑन कीजिए, जैसे भी हो अच्छे से कोने में अच्छे दीवार हो उस टाइम वहाँ पे शूट कीजिए, खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, सोशल मीडिया पे भेजिए। तो दोस्तों यही मेरी एडवाइस है, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, पहला लम्हा भी एक साल में चला गया, ये भी चला जाएगा। इच्छा रखिए, आशा रखिए, अच्छा ही हो।
तो फिर दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू। हाँ, मैं आपको बात एक कह रहा था कि मेरे भी शूटिंग में थोड़ा कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो जो मैंने कहा था आपको, जो मैं सीरियल वेब सीरीज हम फिल्म बना रहे हैं हम एडी जेडवाई के लिए, उसके बारे में भी आपको मैं वहाँ शूट करूंगा और वहां से भी सबका इंटरव्यू लूंगा, प्रोड्यूसर्स का इंटरव्यू लूंगा और डायरेक्टर का भी इंटरव्यू लूंगा, कैमरामैन का भी इंटरव्यू लूंगा, जिससे आपको अनुभव कुछ मिलेगा, कुछ देखने मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आई डोंट